हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज डेट है 30th of September। आज सुबह सुबह खेत में आया था तो खेत में हल चला रहा था एक छोटा सा लड़का, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, लेकिन वो वीडियो कॉपीराइट की वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे गाने चल रहे थे, समथिंग लाइक दैट। तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा रिस्क हो, तो उस वजह से मैंने वो जो वीडियो थी डिलीट मार दी थी। लेकिन आज वही लड़का, जिस लड़की की मैंने आपको इंटरव्यू थोड़ा सा लिया था कि टेक्नोलॉजी को लेके या जिस तरह से, तो वो लड़का मल्टी टैलेंटेड है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो उसे देखा खेत में कि वो ट्रैक्टर चला रहा है। अभी एज उसकी होगी 12 से 13-14 साल का होगा, वो ट्रैक्टर चलाने में वो ट्रेंड है। ये पीछे आप साउंड सुन रहे हो ना, जो ये उसी खेत में ट्रैक्टर में वो काम कर रहा है। वीडियो आपके लिए रेडी है, प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है ना, जैसे ना, ये वही लड़का है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से मैंने उसे पहले से ही डिलीट मार दी। हालांकि मैंने कोई मेल वगैरह रिसीव नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा क्यों रिस्क लें यार, कोई बात नहीं, बाद में फिर कभी उसका इंटरव्यू ले लूँगा। तो अब वो ट्रैक्टर चला रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि साउंड तो पहले से ही ये आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है प्री रिकॉर्डेड पहले ही कर ली थी। तो चलिए आप फिर वीडियो देखिए, फिर उसके बाद वीडियो के एंड में मिलते हैं।
तो मैं हूं अभी ट्रैक्टर के ऊपर। मैं हूं अभी ट्रैक्टर के ऊपर, बहुत मजा आ रहा है। काफी सालों के बाद मैं इस ट्रैक्टर पे चढ़ा हूं और अमेजिंग एक्सपीरियंस है सीरियसली। गांवों में देख रहे छोटा सा लड़का ड्राइव कर रहा है, देखो सच में अमेजिंग। अंकुश, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये वही लड़का है। और वो कॉपीराइट की वजह से मैंने डिलीट मार दी थी। मतलब ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस आज से 10 से 15 साल पहले मैंने लिया था, आज ले रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो, थैंक यू। बेसिकली क्या है ये रूढ़ी है, तो ये जो है इसको कहते हैं ना, खेत के अंदर अगर फैला दें तो मेन्योर का काम करता है, खाद का काम करता है। तो अभी इससे तो इस
मतलब ये जो है हल है ये जो भी मुझे नाम तो नहीं पता, इससे रूढ़ी को लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो अंकुश ने दिमाग लगाया कि ये जो पल्ली है ना, पल्ली अगर इसके बीच में डाल देंगे और पूरे जोर के साथ इसको ले जाएंगे तो काफ़ी आगे तक ये जो जो रूढ़ी है, इसको रूढ़ी बोलते हैं, तो वेस्ट मटेरियल है काउ डंग वगैरह, तो इसको अगर ले जाएंगे तो पूरे खेत में फैल जाएगी। तो चलिए फिर अंकुश का ये भी देख लेते हैं किस तरह से वो कर रहा है। देखो जुगाड़ लगा रहा है, टेक्निक लगा रहा है। सामने देखोगे आपको हैरान बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ से अर्थ फॉर्म निकलते हैं ना जब खुदाई होती है, तो इससे हल से, तो इस तरह से हैरान देखो कितने सारे हैं। अर्थ फॉर्म खाते हैं ये। चलो देखते हैं अंकुश कैसे लेके जाता है। सी कुछ बैठ गया ड्राइविंग सीट पे, अब ये लेके जाएगा। जुगाड़ लगाया ना काफी दूर तक ले गया वो, तो इस तरह से पूरे खेत में अभी फैला देगा बस। हैरॉन्स को देखो कितने सारे। उड़ गए रॉन, उड़ गए रॉन। मैं ना एक्चुअल में कई सालों के बाद ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हूं और जब भी बैठा हूँ डर के बैठा हूँ। सच में मुझे बड़ा डर लग रहा था ट्रैक्टर के ऊपर जब मैं बैठा, और अमेजिंग एक्सपीरियंस सीरियसली। इससे पहले कभी भी मतलब बैठा जरूर हूँ लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मुझे बैठते हुए, तो बड़ा डर लग रहा था यार, हम लोग शहर के लोग हैं कहाँ इन चीज़ों में घुसते रहेंगे। तो ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है सीरियसली, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के। तो देखा आपने किस तरह से एक छोटा सा लड़का ट्रैक्टर चला रहा है और खेत में हल चला रहा है, हल मतलब डाल रहा है, और जो स्किल्स हैं उसकी चलाने के ट्रैक्टर की, सच में मैं दंग रह गया हूँ। हमारे जैसा बंदा बाइक चलाने से डरता है या कार चलाने से मुझे बड़ा डर लगता है कई बार, तो वो अब ये छोटा सा लड़का ट्रैक्टर चला रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्जॉय किया होगा आपने। इसी तरह से छोटे छोटे क्लिप्स और वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।